के झाड़ू जैसी बालों पर दो जोड़ी वाली एक क्यूट सी प्यारी सी हेयर स्टाइल। इस चटोरी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे ही बाल मिलते हैं। थोपड़ा तो है बंदरिया जैसा, हेयर स्टाइल बनाकर सुंदरिया तो बना देती हूँ। चलो देखते हैं सुंदरिया बनती हूँ या फिर बंदरिया। ये बाल है नहीं, बुढ़िया के बाल है। गुरु घंटाल माँ की तरह तो जट्टा करके रखती है। पहले इस चटोरी के बालों में पैराशूट नारियल का तेल लगा लेते हैं। दिख रहा है उनको, पैराशूट नारियल का तेल ही है। बचपन में ना हमारी मम्मी हमारे बालों में सरसों का तेल लगाती थी, तेल के टीन में ही डुबो देती थी। घिस घिस कर अच्छे से मालिश करके लगाती थी। ओह आराम से भाई, धन्ना भाई कौन से जन्म का बदला ले रही हो। इसके झाड़ू जैसे बाल कितने झड़ते हैं। कोई नहीं, बाल वाले भैया को बेचकर कुछ तो मिल जाएगा। अरे बाल है हो? इधर दो। हमारे गांव में ना एक बाल वाले दादा आते हैं जिसे हम लोग बुढ़े दादा बोलते हैं ना धन्ना भाई। झड़े हुए बाल लेते हैं, इतने ज्यादा बाल होते हैं उस हिसाब से सामान देते हैं। पता है हमारे गांव की सारी औरतें अपने झड़े हुए बाल इसलिए बचा कर रखती है कि इसके बदले में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। धन्नो भाई भी एक नंबर की चटोरी है, मेरे जितने भी बाल झड़ते हैं ना सब बचा कर रखती है। सारे जट्टे तो निकाल दी बालों से, थोड़ी बहुत जुए भी है भैया धन्नो भाई, निकाल दोगी क्या? सारे काम मैं ही करूं। सबसे पहले सामने की यार एक क्यूट सी प्यारी सी हेयर स्टाइल बना लेते हैं। सामने वाले बालों को एक एक बात करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे उठाएंगे, धीरे धीरे करके फोल्ड करते जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये देखो। फिर थोड़ा सा और बाल लेंगे, इसे भी फोल्ड करेंगे अच्छे से। तीसरे पार्ट को भी कुछ इसी तरीके से लेंगे, इसे भी इस तरीके से फोल्ड करके मिक्स करके गुट लेंगे। ये देखो कुछ इस टाइप से हेयर स्टाइल बन जाएगी। और थोड़ा आगे की और फोल्ड करेंगे और अच्छे से हेयर क्लिप लगाकर सेट कर लेंगे। कौन सी सड़ेली क्लिप लाई है भैया, ढीली है, अच्छे से लगाओ। अरे अरे तेरी खोपड़ी की खाली उधर डालेगी। आराम से हो गया ना। फ्रंट साइड में धन्नो भाई ने कुछ इस टाइप से हेयर स्टाइल बनाई, अब इधर साइड में भी सेम वही स्टाइल बनाएंगे। ठीक है बढ़िया। हां बस धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा बाल उठाते जाएगी और उसे मुड़ती जाएगी। तो इधर भी तो कोई क्लिप वगैरह लगा, या फिर ऐसे ही ये कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी रहेगी। ये रही हेयर क्लिप, इसे भी सेट कर देते हैं। आराम से खाल मत उधेड़ देना सेट करने के चक्कर में। ये देखो यार, ये देखो, ये रही इसकी हेयर स्टाइल ना। अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है पहले ही उजड़ने लगी। इस चटोरे के झाड़ू जैसे बाल है तो मैं क्या करूं। झाड़ू जैसे बाल बनाना तो आता नहीं है, और एकदम सड़ेली हेयर क्लिप्स लेकर आई है ताकि मेरे बालों में अच्छे से टिके ही नहीं। ये देखो भैया दोनों तरफ ना धन्नो भाई ने कुछ इस टाइप से प्यारी हेयर स्टाइल बना दी। अब यार बैक साइड में 2 क्यूट सी प्यारी सी चोटी बना देगी। 2 चोटी वाली मैं बन जाऊंगी, लेकिन सिंपल या फिर गूथ कर वही धन्नो भाई। गूथ कर? हाँ यार गूथ कर ही बना दो, क्योंकि काफी ज्यादा जचता है मुझ पर। वैसे आप लोग इस तरीके से ना सिंपल पोनी भी कर सकती हो, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए तो बेस्ट एंड बेस्ट है, जरूर ट्राई करना। अब रबर लगा लेती हूँ। हाँ भैया दिख रहा है। ये बन गई मेरी पहली कुत्ते की पूंछ, मुच्छर डंगरी भाती। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।